ममता बनर्जी आज बोलपुर में एक रोड शो करने वाली हैं और अमित शाह को अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। बंगाल की सियासी पिक्चर आज सड़क पर साफ नजर आएगी। ममता उन्हीं सड़कों पर रोड शो करेंगी जहां से अमित शाह गुजरे। ये तो अभी का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आपको इस रिपोर्ट में दिखेगी। तीन पार्टियां, तीन सबसे अहम किरदार और इस वक्त कोलकाता के तीन पार्टी दफ्तर के हर फ्लोर पर वॉर रूम एक्टिवेट हो चुका है। कल क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है। वॉर रूम में एक एक मिनट, एक एक सेकंड की मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही बंगाल की दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और टीएमसी के पार्टी ऑफिसर्स में गहमागहमी बढ़ गई है। कोलकाता में टीएमसी के हेडक्वार्टर तपसिया में इस वक्त भयंकर गहमागहमी है, जहां हर रोज टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है और हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसकी देखरेख डेरेक ओब्रायन को दी गई है। डेरेक ओब्रायन तय कर रहे हैं कि किसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस में भी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहीं पर कोर कमेटी की मीटिंग भी हो रही है। इधर पश्चिम बंगाल सरकार के हेडक्वार्टर नबान में पहले के मुकाबले हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर मुख्यमंत्री ऑफिस है। प्रदेश का हर बड़ा अधिकारी इन दिनों यहां मुख्यमंत्री दफ्तर में मोटी मोटी फाइलें लेकर दौड़ लगा रहा है और ममता बनर्जी औसतन हफ्ते में दो दिन अब कैबिनेट की मीटिंग बुला रही है और फाइलों को निपटाने में बिजी है। क्या दीदी किसी जल्दी में? बंगाल में सियासी पारा चढ़ने के साथ ही ममता बनर्जी की कैबिनेट मीटिंग्स भी बढ़ रही हैं। पहले जो कैबिनेट मीटिंग सप्ताह में एक बार होती थी या 15 दिन में एक बार होती थी, अब लगभग दूसरे तीसरे दिन हो रही हैं। बड़े बड़े नेताओं को ममता बनर्जी बुला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। यहां तक कि छुट्टी के दिन भी ममता बनर्जी घर पर बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे चर्चा कर रही हैं, रणनीति अपनी तय कर रही हैं। जब बंगाल में बीजेपी नेताओं के काफिले पर पत्थर फेंके जा रहे थे तो ममता इसी बिल्डिंग में बैठकर एक डायरी लिख रही थी। इस डायरी में ममता बंगाल फतह का प्लान तैयार कर रही थी। हिंसा, पत्थर फेंकवाना, तुष्टीकरण, CAA और NRC के नाम से लोगों को डराना, डेवलपमेंट बताना या मोदी सरकार की कमी गिनाना, लैपटॉप और टैब बांटने का प्लान, मदरसे और स्कूल के स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने का प्लान, मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने का प्लान, मुस्लिम और ईसाई प्लान। क्या ममता की लिस्ट में ये सब शुमार होंगे? पिछले एक सालों में और 2020 के आखिरी एक महीने में बंगाल में क्या क्या हुआ और टीएमसी ने क्या करने की कोशिश की, उसे देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। पत्थरबाजी हुई, हिंसा अनगिनत हुई, केंद्र की योजनाओं को दीदी ने रोके रखा, कट मनी कल्चर हावी रहा, बंगाल में बीजेपी नेताओं को खूब टारगेट किया गया। ममता ने इस बार दो नए दाव चले, स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैब, इसके साथ मदरसे और स्कूली स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने का दाव। दीदी को लगता है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। আমরা বলেছি আমরা 12,000 ছেলে এই 12 সরি 9.5 লক্ষ ছেলে মেয়েদের মাদ্রাসা এবং আমার 14,000 হাই সেকেন্ডারি স্কুল আছে এবং মাদ্রাসা আছে নিয়ে আমার প্রায় 9.5 লক্ষ ছাত্র ছাত্রী আছে। আমরা ট্যাব দেব বলে আমরা টেন্ডারিং করেও দেখেছি, আমরা খোঁজ খবর নিয়েও দেখেছি, কারণ চাইনিজ মেটেরিয়ালটা তো এখন বন্ধ আছে। আমরা প্রত্যেক 12 ক্লাসের যারা স্টুডেন্ট আছে এবং মাদ্রাসার 12 ক্লাসের তাদের আমরা 10,000 টাকা করে তাদের অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট দিয়ে দেব, তারা তাদের মতো তারা কিনে নেবে। ममता के दफ्तर में अधिकारी पहुंचते तो ठीक ठाक हैं, लेकिन निकलते हैं नाराज होकर। दीदी को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा। बंगाल में पिछले 3 महीने से हर महीने IAS और IPS अधिकारियों की थोक के भाव ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। नवंबर में 9 IAS और 12 IPS अधिकारियों को ममता बनर्जी ने बदला है। ममता अपने आसपास खास अधिकारियों को रखना चाहती हैं। दिसंबर में बंगाल के 3 अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया गया तो ममता को ये बात चुभ गई। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही दीदी का भरोसा कुछ अधिकारियों पर से उठने लगा और ऐसा उठा कि विधाननगर इलाके में 4 दिन में 4 कमिश्नर बदल दिए गए। कहा जाता है कि दीदी के बंगाल को दीदी के 4 अधिकारी चला रहे हैं और ये हैं राजीव सिन्हा, रीना मित्रा, सुरजीत पुरकायस और गौतम सलाण। ये सभी रिटायर्ड हैं लेकिन इनको नई पोस्ट दी गई है। ये सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं।
मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव सिर्फ एक सीनियर आईएएस ही बन सकता है। गौतम सान्याल के आईएएस अधिकारी ना होते हुए भी 2015 में ही ममता ने गौतम को अपना प्रमुख सचिव बना लिया था और वो पिछले 5 सालों से इस कुर्सी पर बैठे हैं। पुरकायस्थ जब 2018 में डीजीपी के पद से रिटायर हुए तो उनके लिए एनएसए की तरह पश्चिम बंगाल में एसएससी का पद क्रिएट किया गया और अभी तक पुरकायस्थ दीदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। लेकिन जो सच्चे और अच्छे अधिकारी हैं उन्हें दीदी की ये पॉलिसी निराश कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नेतृत्व और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्सेलेंट काज करेछे एवं एटा दुआरे सरकारटा आगामी दिने आमि मने करि सारा बिश्वेर इतिहासे एकटा मडेल होये थाकबे। ममता ने इस क्रिसमस पर तुष्टिकरण का एक नया पैंतरा चला है, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। Why Jesus Christ's birthday will not be declared as national holiday? You tell me, it was there earlier. Why this government, BJP government withdraw that? Everybody is having their sentiment. आजकल दीदी सुबह मुसलमानों की बात करती हैं, दोपहर में एनआरसी और सीएए के नाम से लोगों को डराती हैं और शाम होते होते ईसाइयों पर शिफ्ट हो जाती हैं। पत्थर फेंकने वालों को दीदी बचाती हैं, हिंसा रोकने में नाकाम अधिकारियों की पैरवी करती हैं। बीजेपी इज अ चीटिंग बाज पार्टी, बंगाली टू विल से चीटिंग बाज, बट सॉरी इंग्लिश इट मे बी चीटर। द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी लीडर्स इज For politics, they can do anything. They can say anything. And they can say all the garbage of lies. Why, when they pass the act, from that time we are opposing. And I said that every citizen of this country is the citizen of this country. लेकिन दीदी के 4 सलाहकार अधिकारियों की रणनीति पर अकेले अमित शाह भारी हैं, इसलिए ममता बनर्जी दबाव में हैं। अमित शाह उनके दुर्ग में उनकी गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने आते ही बंगाल का सीन बदल दिया है। वो 2014 से यानी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से बंगाल आ रहे हैं। अब तक वो बंगाल में 54,000 किलोमीटर से ज्यादा घूम चुके हैं, औसतन हर दिन 25 किलोमीटर। 2014 से अब तक अमित शाह औसतन 15 से 20 बार सालाना बंगाल का दौरा करते हैं। उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, बांटो जुटाओ और राज करो। अमित शाह को जो बातें खास बनाती हैं वो है किसी भी सियासी मिशन में सीक्रेसी बनाए रखना। वो बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, क्रांतिकारी महापुरुषों के परिजनों से मुलाकात करते हैं, मीडिया में नहीं बल्कि बंद कमरे में तसल्ली से कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और प्लानिंग डिस्कस करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह की डायरी में बंगाल के लिए टू डू लिस्ट रेडी है। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का कैडर कैसे खड़ा किया इसे समझिए। हर जिले को पहले 20 खंड यानी 20 मंडल में बांटा गया। एक मंडल की संरचना ऐसे हुई कि उसमें 60 बूथ पड़े। इस तरह एक मंडल में तकरीबन 40,000 से 50,000 वोटर हुए और हर मंडल में कार्यकर्ताओं को 3 लेयर में बांटा गया। पहला लेयर शक्ति प्रमुख का है जिनको 6 बूथ की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए 12 से लेकर 36 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनाई गई। इनका काम होता है 6 बूथ पर पार्टी की सबसे विशेष मौजूदगी दर्ज करवाना। उनके नीचे दूसरा लेयर है बूथ पालकों का। बूथ पालकों के जिम्मे 2 बूथ होते हैं और इनका टारगेट होता है कम से कम पार्टी के लिए 2,000 वोटों का इंतजाम करना। तीसरा लेयर है पन्ना प्रमुखों का जिनका काम होता है हर गली मोहल्ले और इलाके इलाके घूमकर कम से कम 35 से 40 वोटरों से बातचीत करना और उनके घर तक पहुंचना। माइक्रो लेवल पर बढ़ रही बीजेपी को रोकने के लिए राजनीतिक हत्याएं बढ़ गई और बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे कोई और नहीं टीएमसी है। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मित्रों, यहां पश्चिम पेदनीपुर में हमारे बच्चू बेहरा को मार दिया, जगदल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कुछ बिहार से
रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया। दीदी की टेंशन बढ़ने के पीछे एक और अहम वजह है, बीजेपी ने बंगाल के किसी भी इलाके को खाली नहीं छोड़ा है। इस मैप के जरिए और अच्छे से समझा जा सकता है। सबसे पहले नॉर्थ बंगाल की तस्वीर देखते हैं। यहाँ के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, इन सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिर्फ एक सीट मालदा दक्षिण की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यानी नॉर्थ बंगाल से बीजेपी ने टीएमसी को पूरी तरह साफ कर दिया है। अब साउथ बंगाल की ओर चलिए। यहाँ की जहांगीरपुर सीट टीएमसी के खाते में है, बहरामपुर कांग्रेस के खाते में है, मुर्शिदाबाद, कृष्णा नगर, दमदम टीएमसी के खाते में है, बाराहाट और बशीरहाट भी टीएमसी के खाते में है, जबकि राणाघाट और बनगांव बीजेपी के खाते में है, बैरकपुर भी बीजेपी जीत ले गई। यानी जो ममता का सबसे मजबूत गढ़ था वहां भी बहुत गहरी सेंध लगाई थी बीजेपी ने। अब गंगा क्षेत्र पर नजर डालते हैं। कोलकाता साउथ टीएमसी के पास है, कोलकाता नॉर्थ, हावड़ा, उलुबेरिया ये भी टीएमसी के पास है, सेरमपुर भी टीएमसी के पास है और हुगली में बीजेपी का कब्जा है। लेकिन आरामबाग सीट गौर करने वाली सीट है, जहां सिर्फ 1000 वोटों से टीएमसी का उम्मीदवार जीता था। यानी ममता के इस इलाके में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। आगे बढ़ते हम राण बंगाल पर नजर डालते हैं। यहाँ की पुरुलिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है, बांकुरा, बिशुनपुर भी बीजेपी के खाते में है, जबकि वर्धमान पूर्व टीएमसी के खाते में है, वर्धमान दुर्गापुर बीजेपी के खाते में है, आसनसोल भी बीजेपी जीत ले गई, बोलपुर में टीएमसी का कब्जा है और बीरभूम में टीएमसी का कब्जा है। अब बंगाल वेस्ट की तस्वीर देखिए। तमलुक, काठी, घाटल ये टीएमसी के खाते में है, झाड़ग्राम बीजेपी के खाते में है और मिदनापुर भी बीजेपी के खाते में है। साउथ बंगाल से आगे जिसे फर्दर बंगाल कहते हैं, वहां की जयनगर, डायमंड हार्बर, माथुरपुर और जाधवपुर पर टीएमसी का कब्जा है। ये ऐसी सीटें हैं जो कोलकाता से सटी हुई हैं। यानी बीजेपी ने ममता के हर इलाके में जबरदस्त पकड़ बनाई है। आई एम प्राउड टू से एमएसएमई वी आर नंबर वन, स्किल सेक्टर वी आर नंबर वन, रोड सेक्टर वी आर नंबर वन, बांग्ला आवास योजना वी आर नंबर वन, टेक्निकल स्टडी वी आर नंबर वन, टोलबाजी करने में नंबर एक है, भ्रष्टाचार में नंबर एक है, परिवारवाद चलाने में नंबर एक है, हिंसा करने में नंबर एक है, बम धमाकों में नंबर एक है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर एक है। ममता इस बार आउटसाइडर यानी बाहरी का नारा दे रही है। वो नारा दे रही है कि बंगाल पर सिर्फ बंगाली ही राज करेगा, गुजराती नहीं। वो सीधे सीधे अमित शाह और प्रधानमंत्री का नाम लेने से बच रही है। वो बंगाली अस्पताल का नारा दे रही है। बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगा रही है बाहरी होने का। इससे बाहर निकलने की बेचैनी साफ दिखती है। अमित शाह जब बंगाल आते हैं तो क्रांतिकारी खुदीराम बोस के घर आते हैं, शक्तिपीठ मंदिर जाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली जाते हैं, बाउल गायक के घर जाते हैं, किसान के घर में भोजन करते हैं और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन जाते हैं। मंदिर जाने के साथ ही धर्म का संदेश, विवेकानंद और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रणाम करने के साथ ही संस्कृति का संदेश, बाउल गायक के घर जाना और किसान के घर खाना खाना, ये अपनापन का संदेश। यानी संस्कृति और सियासत के तालमेल से बीजेपी बंगाल प्रयोग कर रही है, जिससे वो बंगाल और बंगाली सेंटिमेंट से खुद को जोड़ सके और बाहरी की छवि से बाहर निकल सके। Some people are coming from Delhi, I'm sorry to say. कुछ लोग दिल्ली से आते हैं, मैं माफी चाहूंगी अगर गलत हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। You are saying all the telling garbage of lies to the people. Tell the truth. Sorry to say, it is typical type of. क्यों दुनिया भर के झूठ बोल रहे हो? सच बोलो, ये एक सांप्रदायिक राजनीति है। Policy is going on. I want to condemn this today because it is a place where I can raise my voice. दिल्ली जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी?
प्रधानमंत्री जब बंगाल के लोगों से बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, बंगाल की तरह वेशभूषा पहनते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोले तो गुजरात और बंगाल कनेक्शन के बारे में बताना नहीं भूले। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। पर क्या ममता के आरोप का बीजेपी ने जवाब ढूंढ लिया है? सौरव गांगुली और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी शायद एक नए चेहरे पर फिर से कोई नया प्रयोग करे। इसके साथ साथ दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता और सबसे बड़े डार्क हॉर्स हो सकते हैं रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी कृपानंद। ये सभी बंगाल के रहने वाले हैं और बीजेपी से जुड़े हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि सरकारें जो करती हैं विपक्ष उसका अनुसरण करता है, लेकिन बंगाल वो स्टेट है जहां विपक्ष जो कर रहा है सरकार उसका अनुसरण कर रही है। दीदी को डर है कि कहीं सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बीजेपी बंगाली सेंटिमेंट में सिंधमारी ना कर ले, इसलिए अब टीएमसी ने फैसला किया है कि वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाएगी और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अमित शाह बंगाल आए तो बीरभूम के बोलपुर गए, दीदी ठीक उसी जगह उसी रास्ते पर उसी समय पर अपना पॉलिटिकल शो करती है। ये बताता है कि दीदी बेचैन है। They are now feeling very isolated. এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে রবীন্দ্র সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের গর্ব, আমি দেখছি রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, বিদ্যাসাগরের মুক্তি ভেঙে বিদ্যাসাগরকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থেকে শুরু করে তার সমস্ত ফাইল দেখানো হবে। लेकिन बीजेपी और दीदी के बीच एक तीसरा शख्स भी है जो दोनों के खेल को खराब कर सकता है या सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी नजर पश्चिम बंगाल की 30% मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसलिए पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिला तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन इसमें से अगर 10-15% वोट भी टीएमसी से छिटक कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल गया तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। बस यही फर्क पश्चिम बंगाल में नई सरकार का फैसला कर देगा। इस बार भी ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। अगर 30% मुस्लिम वोट मिल गए तो उनका सिंहासन कोई नहीं हिला सकता, लेकिन अगर ओवैसी ने घुसपैठ कर ली तो उनका वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में कांग्रेस के साथ हुआ, और हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के लिए बदरुद्दीन अजमल साबित हों। ओवैसी सिर्फ उन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं जहां मुसलमान हैं, यानी उनका टारगेट है पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीटें। पश्चिम बंगाल की 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का सीधा असर हार या जीत पर पड़ता है। मालदा, नदिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा इलाकों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुर्शिदाबाद में अकेले करीब 66.3% मुसलमान हैं। यहां 22 विधानसभा सीटें हैं। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुस्लिम आबादी तकरीबन 51% के आसपास है। उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी करीब 50% है और यहां 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है, यहां 11 विधानसभा की सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में तकरीबन 36% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, यहां 31 विधानसभा सीटें हैं।
ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों को रिझाकर बंगाल में अगर वो बड़ी जीत हासिल न भी कर पाए तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। इसीलिए ओवैसी बंगाल का सपना देख रहे हैं और ओवैसी की इस तैयारी से घबराई ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि ओवैसी बंगाल में बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी को लगता है कि ये सभी सीटें उनकी रडार में है, लेकिन मुसलमानों के लिए बीजेपी के पास भी प्लान है। बंगाल में तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनमें से 30 लाख लोग मुसलमान हैं। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है कि ऐसे 1,80,000 मुस्लिम मतदाताओं के पास पार्टी जाएगी, खास तौर पर जो नए मुस्लिम मतदाता हैं, उन्हें बताएगी कि बीजेपी उनके लिए क्या करने जा रही है। बीजेपी नए मुस्लिम मतदाताओं को एजुकेशन और नौकरी देने का वादा कर सकती है। बीजेपी ने एक बूथ 11 मुस्लिम यूथ नाम से कैंपेन चलाया है। बीजेपी में सबकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय वो चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट के धुरंधर हैं। लेफ्ट वोटरों में जबरदस्त सेंधमारी करके उन्होंने प्रूव किया है और इस वक्त बंगाल की टीम को लीड कर रहे हैं। मुकुल राय ममता के नस नस से वाकिफ हैं और उनका काम है लेफ्ट और टीएमसी के नेताओं को तोड़ना और बीजेपी की तरफ मोड़ना। ममता के कैडर में सेंधमारी का काम वो कर रहे हैं। दिलीप घोष जो कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बना रहे हैं। इन तीनों ने मिलकर 2019 से तीन एजेंडे पर काम करना शुरू किया। पहला चुनाव को दो ध्रुवीय बनाना, दूसरा टीएमसी और लेफ्ट के कद्दावर नेताओं को तोड़ना और तीसरा लेफ्ट का पूरा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर लेना। इन तीनों एजेंडे में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी की इस रणनीति ने ममता दीदी को सबसे ज्यादा बेचैन कर रखा है। सबसे बड़ी कामयाबी शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु 2019 के लोकसभा चुनाव तक ममता का राइट हैंड रहे, अब बीजेपी में आ गए। उन्हें बूथ के माइक्रो मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। शुभेंदु के स्पेशलिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। जंगल महल की 9 लोकसभा सीटों और 63 विधानसभा इलाकों में बूथ मैनेजमेंट के सबसे बड़े कलाकार हैं वो। बांकुरा, पुरुलिया और वेस्ट और ईस्ट मिदनापुर, इन 4 जिलों में उनका जबरदस्त प्रभाव है। इस वक्त दीदी की सबसे मजबूत नब्ज बीजेपी के पास है। इसके साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ दिनाजपुर, हुगली और हावड़ा के ग्रामीण इलाकों में ऑब्जर्वर रह चुके शुभेंदु वहां के वोटरों का मन अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। वो मास लीडर हैं, उनकी सभाओं में भीड़ बिन बुलाए जुटती है और बंगाल बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो ममता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। 42 से 42 का हांका देने वाले नेताओं को ममता ने फोन पर डांटा भी और 2 दिन बाद जब ममता कमरे से बाहर निकली तो कुछ मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए। रविंद्रनाथ घोष, गौतम देव, तपन दास गुप्ता, सुकुमार महतो, विनय कृष्ण, सोमेन महापात्र, लेकिन उस वक्त शुभेंदु अधिकारी और सुब्रत मुखर्जी जैसे लोग बच गए थे जिनकी अहमियत ममता की नजर में धीरे धीरे घटने लगी। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें।